What's up, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत आप लोग को साथ में देख सकते हो, क्योंकि मैं जब भी इस घर में ब्लॉग चालू कर रहा हूँ हमेशा आयुष मेरे इसी घर में रहता है। तो आज ये ब्लॉग हम लोग स्पेशली इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज होली आ चुकी है एंड अपने पूरे दोस्त लोगों के साथ में होली खेलने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आयुष है और दो लोग हैं जो मुंबई के बाहर रहते हैं, वो लोग भी आने वाले हैं जल्दी। ऑलराइट, सो आज है 6 तारीख, आज है होलिका दहन। एम्परर भी फिलहाल आ रहा है, आयुष ऑलरेडी आ चुका है, तो हम तीनों मिलकर आज मेरे फैमिली के साथ हम लोग आज होलिका दहन सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों को भी मैं लेके चलूंगा साथ में। सो हमारे यहाँ क्या होता है ना, होली का स्ट्रक्चर पूरा रेडी होता है, उसमें पतंग डालते हैं, घास डालते हैं, घासलेट वगैरह डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल के स्ट्रक्चर रेडी करके रखते हैं। एंड फिर एक मुहूर्त होता है, आज का मुहूर्त शायद 6:30-7:30 का है। सो मुहूर्त होने पर वो होलिका को हम जलाते हैं। सो अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू सी द होल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आयुष भी फिलहाल मेरे साथ है, थोड़ी देर में एम्परर भी आ जाएगा। सो आज तो फिलहाल ये होलिका दहन हम लोग मेरे घर में बना रहे हैं, बट कल हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त जगह पर होली सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, जो रिवील नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो आयुष, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? आई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और बहुत दिनों एक्चुअली ये एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत पहले। अच्छा हाँ, यस अखिलेश भाई वाला, यस बहुत पहले हम लोग एक बार हम लोग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट अभी इस बार हम लोग लेकिन उस वक्त की ना लाइक गाइस वाइब अलग थी, मेरी और उनकी फ्रेंडशिप अलग थी, आज हम लोग फ्रेंडशिप अलग है। हम लोग सब वैसे कच्चे लोग थे, थोड़ा जानता था अल्फा। यार मेरे को डर ये लग रहा है कि कैमरा अभी मैं बाहर लेकर गया ना, लोग मां कसम फूके हुए मारेंगे और मेरे कैमरा के लग जाएंगे। तो थोड़ा सेटिंग है, मोबाइल से ही करते हैं आज और रिकॉर्ड। हमारे पास बेसिकली तीन जगह पर है जहाँ पर हम लोग होलिका दहन सेलिब्रेशन देख सकते हैं। नंबर वन, ये बाय द वे अपना जहाँ गेमिंग स्टूडियो है ना, ये उस बिल्डिंग का होलिका दहन ये लोग अभी रेडी कर रहे हैं। देखो वहाँ सब लकड़े वगैरह या लकड़ी सब कुछ जो लगा के फिर जलाएंगे मुहूर्त आने पे। ये हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं फिलहाल थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग 6-7 डेज का कुछ हम लोग का ट्रिप प्लान है आगे का। एंड हम लोग अभी साथ ही साथ में बहुत सारी होलिका दहन भी हम लोग देखेंगे बनते हुए और फिर जलते हुए हम लोग रात को देखेंगे। तो लेट्स गो, फिलहाल आयुष और मैं चलते हैं। आ जाओ लगा दो। आज बाय द वे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका हूँ मैं और हैप्पी होली। बाय द वे हमारे बिल्डिंग में रहते हैं। हैप्पी होली। चलो मलिए। लाइव स्ट्रीम में तुम थे ना मेरे बैठे हुए इसमें। कौन सी क्लास में हो? लड़की है भाई। अच्छा हाँ, मेरे को आधे टाइम बाद पता चला। अच्छा क्या नाम है? सुना कावेरी। हाँ कावेरी। तो ये हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ से दूर है मेरा बिल्डिंग वैसे, 15-20 मिनट दूर है। ठीक है चलो बाय। मैं अपने एरिया का सिर्फ चक्कर लगा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर ये तीसरी है ये, अभी चौथी सबसे बड़ी मैं लेके चलता हूँ आपको। हम लोग यही सबसे बड़ी वाली अब यार है। ओके सो गाइस, वो जगह आने वाली है जहाँ पर बड़ी वाली एकदम होली का, ओ दिक्कत, अबे कलर अबे रंग लगा रखा है इस पे। तो चलो नसीब है अभी मेरे पास दोस्त लोग हैं तो मैं थोड़ा घूम रहा हूँ इस साइड, वरना अगर आयुष नहीं होता तो मैं यूजुअली घर पे ही बैठा रहता। बट जो अभी मैं आपको होली दिखाने वाला हूँ, दिस इज द बिगेस्ट होली जो रात के 12:30-1:30 बजे तक चालू ही रहती है, विच इज दिस वन। वहाँ पर टाइम भी लिखा है 8:30 को स्टार्ट करेंगे एंड फिर इसमें ऐड करते जाएंगे देखो वो सारे बाम्बू वहाँ पर हैं, ऐड करते जाएंगे रात को 2 बजे तक सजाया। हाँ, और इसको प्रॉपर है ना, सब लोग प्रदक्षिणा करते हैं रात को इसकी, यहाँ पानी डालते रहेंगे सो दैट लोग चल पाए प्रॉपर तरीके से, धूल उड़ेगा। हाँ धूल उड़े ना और गर्म भी ना लगे। आयुष तेरे यहाँ भी ऐसी होती होली? काइंड ऑफ ऐसी होती, लखनऊ में भी ऐसी होती है। अभी फिलहाल हम लोग मुंबई में हैं भाई, जितने लोग नए हैं लोग, हियर वी गो, दिस इज अवर रियल वाली होली। ठीक है चलो मिलते हैं अभी अपने, मेरी बिल्डिंग वाली होली दिखानी बाकी है, लेट्स गो। तो घूमते हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्डिंग में। रास्ते में आते आते हम लोग को ये कलर तो लगाया आप लोगों ने देखा, बट फुगे वुगे भी यहाँ से गए हैं बाजू बाजू से, नीचे मारा है तो लिटरली यहाँ पर फुगे पड़े हैं। ये देखो फुगे का प्लास्टिक है, ये पड़ी है भाई, जोर से पड़ी है। हाँ मेरे एरिया में सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं यूट्यूब में ये सब करता हूँ वगैरह वगैरह, और आज तो आयुष को पीछे से पहचान गए हैं भाई। आयुष भाई का नाम लिया ऐसी तो उसको जो फुगे लगे तेरे को पीछे? नहीं, डॉज कर लिए पीछे, लगे हैं अपने वैसे स्कूटी के पीछे लगे हैं। हाँ स्कूटी के पीछे लगे हैं, तो फिलहाल जान मुझ के भगा नहीं रहा अल्फा, आयुष पीछे बैठा है, पड़ेगी तो इसको पड़ेगी, पड़े इसको एक बार। ये हमारे बिल्डिंग की खुद की होलिका है, ये हम लोग इसको प्रॉपर जलाएंगे। बाकी की सारी चीजें आपको 8:30 के आसपास, आपको जब ये होलिका का मुहूर्त निकलेगा तब दिखाएंगे। चलें फिर अभी मुंह धोते हैं फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। अबे ऐसे चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई आज के दिन। अबे उनके कपड़े बिगड़ जाएंगे ट्राई करेगा तो।
अच्छा फिलहाल हम लोग जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्यास व्यास लग गया था, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या क्या पी रहे हैं, हम लोग मौसमी जूस वगैरह पी लेते हैं। भाई बहुत प्यास लग रही है मेरे को, तो बहुत लग रही है, मुंबई में लग रही है। लखनऊ में क्या है, कितना डिग्री है वहाँ पर? डिग्री का नहीं पता लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। लखनऊ में ठंडी है, हमारे यहाँ तो भाई ठंडी नहीं है लेकिन वहाँ पे ऐसा लू नहीं चल रही, यहाँ पे लू चल रही है, वो गर्म हवाएं होती है, ऐसे तो हीटर ब्लोअर चल रहा है वैसा है यहाँ पे। हाँ ये तो यहाँ पर मेरा फेवरेट डोसा स्पॉट है, मैं यहाँ पर ही आता हूँ, बट अभी मैं नहीं खा रहा हूँ कुछ बाहर की चीज़ें, अच्छा लग रहा है खुद का पतला मुँह देख कर। सो गाइस होली बना के आ चुके हैं हम लोग सब लोग, एंड इन लोग ने बाय द वे एक चीज मिस कर दी कि जो होली का में हम लोग नारियल डालते हैं वो नारियल पक्के बाहर आता है, विच लुक्स लाइक दिस। बट कोली हो पाए अभी गरम होगा ना? नहीं थोड़ा सा ही गरम होगा अंदर। ए लाइक दिस दतर बतरी रहे हो, बतरी जाओ उसका, चलो पादर के लिए वो आने के लिए तैयार हो गया। ये जो पका हुआ है नारियल वो बहुत मस्त लगते हैं। अगर ऐसे अरे हमें तैयार नहीं होता जल्दी चाहिए। मम्मी वगैरह सब लोग झाके आए थे एक बार, मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था। तो पूजा कर रहा था, मैं पूजा कर रहा था, अभी मैं आया हूँ जस्ट, हम लोग वापस जाएंगे होली का दहन सबके साथ, लेट्स गो। ऑलराइट सो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, बाय द वे इस बार मॉम डैड भी आ रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे होती है पूजा वगैरह में। एम्परर और आयुष के पास सारी पूजा की सामग्री है वैसे, लेट्स सी। हम लोग बाय द वे बिल्डिंग के एंड में जा रहे हैं, वहीं पर सारा सेलिब्रेशन वगैरह होता है, बहुत सारे लोग हैं, बस सब लोग मुझे देख रहे हैं। चलो आओ पूजा वूजा करने चलो। अच्छा यार यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा लास्ट दो तीन जनरेशन बचे हैं जो ये सारे फेस्टिवल्स बना रहे हैं। ऑनेस्टली बहुत हवा है भाई, अभी गई की हवा, अगरबत्ती से ले लेना खाली, एक हाथ में तू भी रख ले ऐसा फेंक दे, ये भी ले ले, खजूर भी ले ले, खजूर भी लेना। सो ये सारी चीजें हमें हाथ में पहले लेनी होती है। अब अपन रह जाओ, बस परिक्रमा कर, आ जाओ ऐसे खाली, एक में एक एक गिराते गिराते कर, ये गिराते कर। सो थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हमें प्रदक्षिणा करनी है, फिर बीच में आके पूजा करना है। इन सब का मतलब क्या है ये सारी चीजें आप गूगल में देख सकते हो अच्छे से। कितनी, पांच राउंड, पांच प्रदक्षिणा, पांच राउंड्स, ओम नमो भगवते, और थोड़ा 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 पानी गिराते रहना है। काम में आगे प्रगति करने वाले हैं उसमें आया भाई आशीर्वाद आया, बहुत जल्दी बहुत तेजी में। हैप्पी होली, क्या बात, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो ये बेसिक हमारा पूजा था सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर हमारे फैमिली में हम लोग करते हैं, और आज बहुत ज़्यादा हवा इसलिए बहुत ज़्यादा आग को है ना हवा लग रही, तो और जल्दी फटाफट बर्न हो गया पूरा होली का। बट हमारे आसपास और मैंने आपको दिखा था ना सबसे बड़ी वाली होली जो 8:30 को चालू होती है, वो वाली होली का पे हम लोग अभी जाएंगे, वो अभी भी बहुत ज़्यादा जलती होंगी बिकॉज वो कंटिन्यूसली डालते रहते हैं उसके अंदर, विच इज़ द बिगेस्ट। सो अभी चलते हैं फटाफट वहाँ तक, एंड देन आई विल सी यू गाइस। बाय द वे ये दोनों जा रहे हैं फ्लाइट पे बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और मैं थोड़ा खाना खा के आया हूँ। सो अभी हमें जाऊँगा और मॉम डैड के साथ थोड़ा बड़ी एक होली है वो देखने के लिए। ये देखो यहाँ ये हमारे एरिया की सबसे बड़ी वाली होलिका है जो कि अभी रात के 11:30 बजे हैं, स्टिल इतनी ज़्यादा है, रात के 11:30 बजे भी अगर ये इतना जल गरम 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 जब आशीर्वाद आया मेरे को अभी इंस्टेंट। ये होलिका हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट वाली है, इसमें बहुत अच्छी हीट मिलती है, एंड माना जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे रोग वगैरह सारी चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सो काफ़ी पीसफुल लगता है एनवायरनमेंट ये वाला। सो या कल होली है, कल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू एंजॉय इट, लाइक करें, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते हैं हम लोग बहुत ही ऑसम ब्लॉग के साथ। बाय।
motivos para quedarme. Amigas diciendo que no ven, que no. Esto sea duradero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo